नायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि। नोएडा के मारवाड़ स्टूडियो में चल रहे पांच दिवसीय कार्यक्रम का शानदार समापन हुआ। इस कार्यक्रम में 15 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ लगभग 100 से ज्यादा अन्य क्षेत्रों के कलाकारों ने भाग लेकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। पांचवें दिन की शाम की शुरुआत चित्रकला की बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी के साथ हुई। दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शानदार शुरुआत हुई और कार्यक्रम में शामिल हुए सभी मेहमानों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। सभी महानुभवों ने ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा को इस कार्यक्रम के सफल होने पर बधाइयां दी और उनकी जमकर तारीफ भी की। समापन समारोह की शाम का पहला परफॉर्मेंस कुचिपुड़ी डांसर गौरी ठाकुर ने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर भारतीय कला की सारगर्भिता प्रस्तुत की। नोएडा फिल्म सिटी में आयोजित होने वाला ये पहला कार्यक्रम है जो इतने बड़े स्तर पर आयोजित किया गया था। नेशनल आर्ट फेस्टिवल के संयोजक ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने कहा कि अपने आप में बड़े ही गर्व का विषय है कि मारवा स्टूडियो में इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें देश विदेश से आए हुए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर यहां पर उपस्थित दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कला दो देशों को जोड़ने का कार्य करती है जिससे विश्व बंधुत्व की भावना निर्मित होती है। भारत आज कला के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है क्योंकि विदेशी कलाकार भी भारतीय कला एवं संस्कृति को सीखना चाहते हैं और उसे अपनाना भी चाहते हैं। भारतीय कला की व्यापकता इसी से पता चलती है कि यहाँ पर आए हुए अधिकांश कलाकारों ने भारतीय कलात्मकता को आत्मसात कर उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की और बड़े ही सुंदर ढंग से उसे प्रस्तुत भी किया। नॉलेज परमात्मा ने मुझे जितना ज्ञान दिया है वो रोशनी की तरह यहाँ से और आगे जाए, उस प्रथा को दिमाग में रखते हुए हम लोग हमेशा दीप जलाते हैं। और मुझे लगता है कि हमने पहले साल म्यूजिक स्कूल शुरू किया, उसके अगले साल हमने डांसिंग स्कूल शुरू किया और अब मुझे लग रहा है कि अगले साल हम लोग पेंटिंग और स्कल्पचर स्कूल शुरू करने वाले हैं, ऐसा कुछ मुझे ध्यान आ रहा। संदीप मामा ने कहा कि भारत के लिए बड़ा ही गौरवशाली पल रहा जिसके माध्यम से विदेशों में भारतीय कला की पहुँच बढ़ रही है। उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी को धन्यवाद कहा और सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इस कार्यक्रम की सफलता पर संदीप मारवा ने कहा कि पेंटिंग और मूर्ति कला का स्कूल भी शुरू करने की मेरी योजना है ताकि क्षेत्र में अवसर तलाशने वाले युवा कलाकारों को एक मंच दिया जा सके और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पूरी दुनिया में भारत का नाम भी रोशन कर सके। इस कार्यक्रम में कोरियन बैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, साथ ही एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के स्टूडेंट्स ने भी विभिन्न कलाओं के माध्यम से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया जिसमें फैशन शो, म्यूजिकल शो आदि प्रमुख रहे। इस फेस्टिवल में स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल का पांचवा दिन बेल्जियम के कलाकार के नाम रहा जिसमें बेल्जियम के कलाकारों ने एक्रोबेटिक डांस आर्ट परफॉर्मेंस कर लोगों की सांसें रोक दी जो कि बहुत ही एडवेंचरस परफॉर्मेंस था।
इस कार्यक्रम में गोपाल जी, गौरी मीनू ठाकुर, आचार्य सत्येंद्र नारायण, मिस्टर पॉल, हरीश त्रिपाठी, आमिर अब्दुल्ला, ऋतु अरिजीत सहित अन्य महानुभवों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कर इस फेस्टिवल की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कला के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के लिए इन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल निश्चित रूप से उन नवोदित कलाकारों के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा जो क्षेत्र में एक बेहतर भविष्य की तलाश में है। Well, at first, you are completely wrong. There is no conductor. We all conduct themselves. And it's a balance between different disciplines. So everybody has his own creation. And maybe that's experimental here. Yeah. During the performance, what is going through your mind to the heart? Yeah. But let's ask the performers. What's going through your mind? I think every performance is different because I think we want to convey something that is emotional, but it can be in very different ways. I think it comes very differently for everybody. Maybe for you it was a remembrance of something. Maybe for someone else it is very hurtful. Maybe for some, I mean, it's what you make of it yourself. बहुत सारा देखिए जब हमें मौका मिला हमें करने का परफॉर्म करने का तो एक्चुअली मैं सोचा नहीं था एकदम समय कॉल आया था और हमने पार्टिसिपेट किया और स्पेशली ऑडियंस को खुश देखकर उनको ना तुम्हारे मन में बहुत अच्छा लगा और मतलब खुश उनको देखकर मेन क्योंकि अगर ऑडियंस खुश नहीं तो हम कैसे हो सकते हैं ना भाई। इसलिए आई वॉज मतलब मैं बहुत खुश था। बड़े जोश और उल्लास के साथ 5 दिन पहले हमने दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल शुरू किया था, आज उसी भावों के साथ हमने यहाँ पर समापन किया है और इन 5 दिनों के अंदर हमने तकरीबन 200 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट जो तकरीबन 15 से भी ज़्यादा देशों से और 50 से भी ज़्यादा आइटम्स में उन लोगों ने अपनी हाजिरी दी। मैं समझता हूँ एक नया मकाम हासिल हुआ है। अब तक शायद नोएडा में इतना भव्य कार्यक्रम आर्ट और कल्चर को लेकर अब तक नहीं हुआ था। मुझे खुशी है कि उसका क्रेडिट भी आज मारवा स्टूडियो को जा रहा है।